नेपाल में हुआ बहुत बड़ा हादसा, सूर्य एयरलाइंस का विमान क्रैश होने से 19 में से 18 लोगों की मौत की खबर। नेपाल में प्लेन क्रैश होने का खौफनाक वीडियो सामने आया, वीडियो में बैलेंस खोकर जमीन से टकराता दिखा विमान। क्रैश होते वक्त प्लेन का हेड जमीन से टकराया, क्रैश लैंडिंग होते ही आग का गोला बन गया विमान। एयरपोर्ट पर मौजूद किसी यात्री ने प्लेन के क्रैश होने का वीडियो रिकॉर्ड किया, क्रैश लैंडिंग के बाद आसमान में ऊंचाई तक धुआं उठता दिखा। प्लेन क्रैश होते ही मौके पर पहुंचा बचाव दल, जलकर राख हुआ विमान, प्लेन से धुआं उठता दिखा। काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उड़ान भरते ही विमान में आई खराबी, थोड़ी दूर जाकर क्रैश हुआ विमान। गुजरात के द्वारका में 3 मंजिला इमारत गिरी, 3 लोगों की मौत की खबर। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट का विरोध किया, कहा बजट से पूरा देश नाराज, 2 राज्यों को छोड़कर किसी को कुछ नहीं मिला। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया, कहा जिन राज्यों का जिक्र तक नहीं है ऐसा नहीं है कि उन्हें कुछ नहीं मिला, महाराष्ट्र को 6,000 करोड़ दिए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने राज्यसभा में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा बजट पर कांग्रेस ने जानबूझकर लोगों को बहकाया। राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने किया वॉकआउट, विपक्षी सांसदों ने वित्त मंत्री का जवाब भी नहीं सुना। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर वित्त मंत्री ने साधा निशाना, कहा अपने आरोपों पर विपक्ष सरकार का जवाब भी नहीं सुनना चाहती। शिवसेना यूबीटी नेता अरविंद सावंत ने सरकार पर साधा निशाना, कहा यह बजट लाडला बिहार और लाडला आंध्र प्रदेश और लाडला ओडिशा के लिए। आप सांसद राघव चड्ढा ने बजट पर दिया बयान, कहा नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को छोड़कर सभी लोग निराश। लोकसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने किया जोरदार हंगामा, बजट के विरोध में सदन के भीतर विपक्ष ने किया प्रदर्शन। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, कहा सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सदन चलने देने का आश्वासन दिया था, अब हंगामा कर रहा है। बजट के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सांसदों का विरोध प्रदर्शन, कई राज्यों के साथ भेदभाव का आरोप लगाकर विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर बजट पर विपक्षी सांसदों के प्रदर्शन पर साधा निशाना, कहा विपक्ष को पूरा बजट पढ़ने की बेहद जरूरत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बजट में कई राज्यों के साथ न्याय नहीं हुआ, हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं। बजट पर न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में बोले कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल, कहा बजट में राज्यों के साथ भेदभाव हुआ इसलिए विपक्ष कर रहा है विरोध। अखिलेश यादव ने बजट के बहाने यूपी बीजेपी में मची कलह पर कसा तंज, कहा लखनऊ के लोगों ने दिल्ली के लोगों को नाराज कर दिया इसलिए बजट में यूपी को कुछ नहीं मिला। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में जेएमएम सांसद नलिन सोरेन का बयान, कहा केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ भेदभाव किया। बजट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में जया बच्चन भी हुई शामिल, कहा सरकार ने बिहार को भी दुगदुगी दिखा दी। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के रवैये पर साधा निशाना, कहा देश को गुमराह करने की विपक्ष कोशिश कर रहा है। बजट पर न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का बयान, कहा सरकार ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए यह बजट पेश किया। राहुल गांधी ने मोदी सरकार 3.0 के पहले आम बजट को बताया कुर्सी बचाओ बजट, कहा कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट को कॉपी किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का राहुल गांधी पर निशाना, कहा 230 सीटें भी पार नहीं कर पाया इंडिया गठबंधन। बिहार विधानसभा में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा, विपक्ष पर भड़के नीतीश कुमार, विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब दिया। सदन में कांग्रेसी विधायकों के हंगामे पर भड़के नीतीश कुमार, कहा मनमोहन सिंह के 10 साल के शासन में भी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिला पाए कांग्रेसी। बिहार विधानसभा में हंगामा करते हुए वेल में पहुंची आरजेडी की महिला विधायक, नीतीश को आया गुस्सा, कहा महिलाओं के लिए आज तक आरजेडी ने कुछ नहीं किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरजेडी के बिगड़े बोल, आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने नीतीश कुमार को बताया महिला प्रेमी। बिहार विधानसभा के शुरू होने के 3 दिन बाद भी सदन की कार्यवाही में नहीं पहुंचे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, बीजेपी ने तेजस्वी पर बोला हमला। नीति आयोग के बैठक में शामिल नहीं होंगे कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम, इंडिया गठबंधन की बैठक में लिया गया फैसला, 27 जुलाई को होनी है बैठक। संसद परिसर में राहुल गांधी से मिले किसान नेता, 12 किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी कई मांगों को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात कर चर्चा की। शंभू बॉर्डर के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने 1 हफ्ते में स्वतंत्र लोगों की एक कमेटी बनाकर किसानों से बातचीत करने का सुझाव दिया और यथास्थिति बनाए रखने का आदेश भी दिया। नीट पेपर लीक पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा दोबारा नहीं होंगे एग्जाम, कहा दोबारा परीक्षा कराने की मांग सही नहीं। परीक्षाओं में धांधली रोकने के लिए बिहार सरकार का बड़ा कदम, विधानसभा में पारित हुआ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति विधेयक, दोषियों को 1 करोड़ तक जुर्माना और 10 साल की सजा मुकर्रर। महाराष्ट्र के लोरावना में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भरा पानी, 15 से 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। महाराष्ट्र के नांदेड़ में भारी बारिश के चलते डूबा पुल, खतरे को देखते हुए बंद किया गया पुल।
उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बंगा पानी के पास सड़क के ऊपर से गिरने लगा झरना, इस वजह से जगह जगह फूट रही है पानी की मोटी धार। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में उफान पर पंचगंगा नदी, प्रशासन के लोगों को नदी किनारे न जाने की हिदायत दी गई। महाराष्ट्र के माटुंगा में मध्य रेलवे लाइन पर बाल बाल टला, बड़ा हादसा, ट्रैक पर गिरा बंबू, लोको पायलट ने सही मौके पर ट्रेन रोकी। उत्तराखंड के गंगोत्री नेशनल हाईवे पर नेताला के पास फिर शुरू हुई आवाजाही, पहाड़ से मलबा गिरने से ठप पड़ गया था यातायात। दिल्ली में बारिश से लोगों को राहत मिली, आईटीओ समेत दिल्ली के कई इलाकों में लेकिन सड़कों पर पानी भर गया, ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ा। यूपी के नोएडा में जोरदार बारिश से लोगों को उमस से राहत मिली लेकिन कई जगहों पर सड़कों पर पानी जमा हो गया, ट्रैफिक बाधित हुआ। गुजरात में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात, सीएम भूपेंद्र पटेल ने हालातों का हवाई सर्वे किया, बाढ़ प्रभावित की तुरंत मदद के निर्देश दिए। गुजरात के सूरत में बाढ़ जैसे हालात, एसडीआरएफ ने दो अलग अलग इलाकों में बाढ़ के बीच बचाई करीब 300 लोगों की जान। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश से हालात बदतर, सड़क पर आए सैलाब में तिनके की तरह बहती दिखी कार। गुजरात के कच्छ में भारी बारिश से आए सैलाब में बही सर्विस रोड, कच्छ घूमने आए सैकड़ों सैलानी फंसे। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए, कई गांवों का मुख्यालयों से संपर्क तक टूट गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में शिवनाथ नदी में उफान से कई लोग फंस गए, एसडीआरएफ की टीम ने चलाया रेस्क्यू अभियान, कई लोगों की जान बचाई गई। उत्तराखंड के गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग, पहाड़ से मलबा गिरने से रास्ता बंद हो गया, रास्ता खोलने में प्रशासन तेजी से जुटा। मध्य प्रदेश के सागर में भारी बारिश का रेलवे पर भी दिखा असर, रेल की पटरियों पर आया भारी मलबा, रेल यातायात बाधित। मध्य प्रदेश के छतरपुर में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया, 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एनडीआरएफ की 2 टीमों ने 50 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। मध्य प्रदेश के बालाघाट में वैनगंगा नदी में उफान, कई गांवों का मुख्यालय से संपर्क टूटा, प्रशासन ने निचले इलाकों के लिए जारी किया अलर्ट। हरिद्वार में डुबकी लगाने के दौरान 6 कांवड़ियां गंगा नदी में बह गए, जल पुलिस और एसडीआरएफ ने मुस्तैदी दिखाते हुए सभी को रेस्क्यू किया। यूपी के सहारनपुर में कांवड़ियों से टकराया बाइक सवार, गुस्साए कांवड़ियों ने तोड़ी बाइक। महाराष्ट्र के मुरबाड़ में पोल से गिरकर वायरमैन की मौत, बिजली सप्लाई में आ रहे फॉल्ट को ठीक करने के लिए पोल पर चढ़ा था वायरमैन लेकिन करंट लगने से पोल से नीचे गिरा जान गई। एमपी के रायसेन में महिलाओं से मारपीट का वीडियो सामने आया, बीजेपी के पूर्व पार्षद पति और भतीजे पर महिलाओं से मारपीट करने का आरोप। उज्जैन में महाकाल की सवारी देखने उमड़े श्रद्धालुओं के बीच धक्का मुक्की से भगदड़ जैसे हालात, मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बड़ा हादसा होने से बचाया। बिहार के अरवल में यूट्यूबर ने मगरमच्छों के बीच जाकर रील बनाई, बांध पर किया स्टंट, पुलिस ने जांच शुरू की। राजस्थान के कोटा में कूलर के भीतर कोबरा देखकर हड़कंप मच गया, सांप पकड़ने वाले शख्स ने कोबरा को पकड़ा और जंगल में छोड़ा। झांसी में बुलेट सवार लेडी गैंग के करतूत, सड़क पर खड़े शख्स की से मोबाइल छीन लिया, पुलिस जांच में जुट गई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में पुलिस ने गुंडों की निकाली परेड, पुलिस ने 4 गुंडों को उनका आधा सिर मुंडवाकर सड़कों पर घुमाया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में घर में घुसा चोर पकड़ा गया, घरवालों ने चोर के हाथ पैर बांधकर पुलिस के हवाले किया, पुलिस मामले की जांच में जुटी। हरियाणा के गोहाना में कार से शराब की दुकान का शटर तोड़ने की कोशिश की गई, कार सवार ने 5 बार दुकान के शटर पर टक्कर मारी। झांसी में ट्रैक्टर सवार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। राजस्थान के राजसमंद में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी, बाइक पर सवार 3 शख्स बुरी तरह जख्मी हुए। बिहार के गया में 70 साल का बुजुर्ग बना दूल्हा, 25 साल की लड़की से निकाह किया। श्रीडी में फिर एक बार टूटा महादान का रिकॉर्ड, गुरु पूर्णिमा के 3 दिनों में 6.25 करोड़ का महादान। महाराष्ट्र के थाने की रहने वाली सनम खान ने पाकिस्तान जाकर किया निकाह, सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी नागरिक से दोस्ती हुई थी। राष्ट्रपति चुनाव न लड़ने के अपने फैसले पर आज अमेरिका को संबोधित करेंगे जो बाइडन, कोरोना से ठीक होकर व्हाइट हाउस वापस लौटे हैं जो बाइडन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू के बीच होगी मुलाकात और इसी हफ्ते के अंत तक ट्रंप ने मुलाकात की ये बात कही। बोलीविया में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत, तेल भराने के लिए सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें नजर आईं। हैम्पशायर में समंदर की सतह पर आई व्हेल, गोता लगाकर फिश बोट को पानी से पलटा, बोट में सवार दोनों मछुआरों को बचाया गया। फिलीपींस में तूफान के कारण खराब हुए हालात, 8 लोगों की मौत, करीब 6 लाख लोग विस्थापित भी हुए। ताइवान के यिलान में समुद्री तूफान से सभी उड़ानें रद्द, सरकारी दफ्तर, स्कूल, टूरिस्ट प्लेसेस को बंद किया गया सुरक्षा के मद्देनजर। बीजिंग में जापान की एलजीपी लीडर हिरोशी मोरियामा से मिले चीनी विदेश मंत्री वांग यी, दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की गई। पेरिस में एफिल टावर पर लाइट शो लगाए गए, ओलंपिक्स रिंग्स, पूरे पेरिस में चमक रहा था बीकर। महाराष्ट्र के मीरा भयंदर में 2 करोड़ की ड्रग्स की खेप के साथ 2 आरोपी धर दबोचे गए, एक महिला आरोपी तंजानिया की रहने वाली।
लखनऊ में न्यूड फोटो के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करने वाला गिरफ्तार। डीप फेक के जरिए लड़कियों की न्यूड फोटो बनाकर करता था ब्लैकमेल। बिहार के बगहा में चोरों ने दो घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। दोनों घरों से उड़ाए 15 लाख के गहने और नकदी। आगरा में मशहूर फुटवेयर मैन्युफैक्चरर विजय तोमर गिरफ्तार। 2,39 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तारी की गई। आगरा में अवैध कॉलोनीज पर जारी है बुलडोजर कार्रवाई। ताजगंज में अवैध प्लॉटिंग कर रहे बिल्डर्स को नोटिस देकर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। उन्नाव में कुएं में गिरे मेमने को निकालने उतरे युवक बेहोश हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवकों को कुएं से निकाला। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मेरठ हत्याकांड के चाहते शूटर को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। आरोपी ने दिन दहाड़े एक लड़के के सिर पर मारी थी गोली। राजस्थान के जैसलमेर में चोरी की वारदात। पुलिस ने 3 आरोपियों को धर दबोचा। यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने छात्रा से छेड़खानी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी पर छात्रा से स्कूल के बाहर छेड़खानी का आरोप। बिहार के अलवर में रिटायर्ड शिक्षक पर पत्नी की हत्या का आरोप। अवैध संबंध के शक में पति ने पत्नी के 57 टुकड़े किए। यूपी के प्रतापगढ़ में गैंगरेप के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने गैंगरेप के आरोपी समेत 2 को गिरफ्तार किया। आगरा में फर्जी महिला एसपी ने असली पुलिस को आदेश देकर 2 बेगुनाह व्यापारियों को थाने में बंद करवाया। पुलिस ने आरोपी महिला के खिलाफ मामला दर्ज किया। बिहार के कटिहार में पति पर पत्नी की हत्या का आरोप। पति ने थाने जाकर समर्पण किया, कबूल किया हत्या का गुनाह। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर। सूत्रों के हवाले से खबर। लोलाब घाटी के जंगलों में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। छत्तीसगढ़ के कोंडा गांव में सर्चिंग के दौरान जवानों को मिले 5-5 किलो के 2 IED बमों को डिफ्यूज किया गया। ईडी ने यूट्यूबर एल्विश यादव से करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक बैंक ट्रांजैक्शन, विदेश यात्राओं और सांपों की सप्लाई से जुड़े मामले पर यह पूरी पूछताछ हुई। हरिद्वार प्रशासन ने कांवड़ यात्रा को लेकर स्कूलों में की 27 जुलाई से 2 अगस्त तक की छुट्टी। एक दिन पहले रुड़की में जल लेने गए कांवड़ियों ने जमकर किया था बवाल। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन की टीम पर पथराव। उपद्रवियों ने टीम पर पत्थर और शराब की बोतलें फेंकी। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में शराब के नशे में धुत एक आदमी बिजली के खंभे पर चढ़ा। ग्रामीणों ने समझाया, फिर जाकर यह शख्स नीचे उतरा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पुलिस पर लड़के से बदसलूकी का आरोप। बिना वारंट के लड़के को घर से उठाकर ले जाने का आरोप। मध्य प्रदेश के गुना में अतिक्रमण तोड़ने गए प्रशासनिक अमले पर लोगों ने किया पथराव। एसडीपीओ जख्मी।